कोरोना की महामारी से बचने के लिए लॉकडाउन की परिस्थिति में है और ऐसे में गरीबों को कोई समस्या ना हो इसके लिए सरकार हर कोशिश कर रही है। इसके लिए प्रशासन स्थानीय स्तर पर पीडीएस दुकानदारों को मार्च अप्रैल और मई महीने का राशन उपलब्ध करा चुकी है, जिसे पीडीएस दुकानदारों को प्रति व्यक्ति 10 किलोग्राम के हिसाब से बांटना है। लेकिन गिरिडीह में इन पीडीएस दुकानदारों का लालच देखकर मानवता शर्मसार हो गई है। दरअसल गिरिडीह के जीतपुर में पीडीएस दुकानदार गरीबों के हक को मारते हुए कम राशन बांट रहे हैं। जब इसकी शिकायत जिला प्रशासन तक पहुंची, तो जिला आपूर्ति पदाधिकारी सुदेश कुमार खुद मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की। बताइए, अप्रैल में 40 किलो चढ़ा दिया, तो अप्रैल का ही मुझे करेगा, ठीक है। अच्छा, मार्च में आप दिए चढ़ा दिए, मार्च में लिए हैं, मार्च के लिए फरवरी फरवरी एक परिवार को मिलेगा 10 किलो ना का बात है। एक पल है, अप्रैल महीना का आपका कार्ड में चढ़ा दिया, अब दिया कुछ चावल मार्च का प्रमाण आपको दिखाएंगे सर। अरे कागज में प्रमाण दीजिए तो उसे क्या हुआ, हाथ में लेना है ना सर, उसको आप दिए तभी बोल रहे हैं। आप कंप्यूटर से सर निकाल दीजिए सर, इसमें नहीं होगा साइन है, रजिस्टर में साइन है, रजिस्टर में इसमें फरवरी मार्च इसका भाई चढ़ा दिया। जब हम बोले तब यार बोला कि जा मोदी को दिखा देना कार्ड। अच्छा, आपका भाई आए तो बोलता है आपका भाई है, हिटलर है, मिलेगा पता नहीं भाई को क्यों बांटने देते हैं भाई, इसका चावल लेके करते आता नहीं है सर, भाई को नीचे चढ़ने नहीं देते हैं। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर गड़बड़ी देखी तो तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया और 7 राशन डीलरों को निलंबित कर दिया। गिरिडीह जिला में वर्तमान में 1976 डीलरों द्वारा राशन का वितरण किया जा रहा है। डीलरों के संबंध में विभिन्न प्रकार के शिकायतें विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हो रही है कि डीलर द्वारा मनमानी रूप से राशन का वितरण करने में कोताही बरती जा रही है। निर्धारित मात्रा से कम अनाज का वितरण किया जा रहा है, मनमानी ढंग से राशन दुकान खोलने का किया जा रहा है, एवं अभी वर्तमान में जो 2 महीना अग्रिम दिया जा रहा है अप्रैल और मई का, उसके आधार पर उन डीलरों द्वारा अप्रैल और मई का वितरण किया जा रहा है किंतु मार्च का वितरण को माइनस कर दिया जा रहा है। इस कारण ग्रामीणों में रोष भी है, अनेक विभाग से पोर्टल के माध्यम से जनसंवाद से डीलरों के संबंध में बहुत प्रकार की शिकायत प्राप्त हो रही है। इस आलोक में उपायुक्त महोदय के द्वारा सख्त आदेश दिया गया है कि डीलर पर एकदम विधिवत कार्रवाई आरंभ करें। इसी के आधार पर वर्तमान में 7 डीलरों पर DSO द्वारा मेरे द्वारा निलंबन की कार्रवाई शुरू कर दी है। पहला मोहम्मद सलीम है, जो पराडी में भी राशन का मनमानी राशन का वितरण में निर्धारित मात्रा से कम आपूर्ति के शिकायत आया गया, इसका निलंबन कर दिया गया। उजाला स्वयं सहायता समूह गांडे का भी निलंबन कर दिया गया। आज जुनेश मुर्मू के संबंध में भी शिकायत प्राप्त हुई, उसके आधार पर मैं स्वयं वहाँ स्थल जाकर उसका शिकायत के आधार पर सही पाया गया और उसको निलंबन के आदेश दे दिया गया। मनोज राय देवड़ी के संबंध में शिकायत BDO द्वारा प्राप्त हुआ, उसको भी निलंबन की कार्रवाई हो गई। नारायण राय जमुआ का भी निलंबन हो गया। मोहम्मद सरुद्दीन बेंगाबाद का भी कल निलंबन की कार्रवाई शुरू हो गई। दशरथ महतो का बेंगाबाद का भी कार्रवाई निलंबन की कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। इस प्रकार इस कर्म से यह प्रतीत हो रहा है कि सभी डीलरों द्वारा को सख्त निर्देश दिया जा रहा है कि आपके द्वारा जो भी गड़बड़ी कर रही है उस पर जिला प्रशासन सख्त है और इस पर अविलंब कार्रवाई होगा। इसमें किसी लॉकडाउन के पीरियड में किसी भी प्रकार का कोई भी दुरुपयोग होने नहीं दिया जाएगा। इसी के आपको बता दें कि अचानक हुई कार्रवाई और तुरंत 7 PDS दुकानदारों के सस्पेंड होने से जिले के बाकी PDS दुकानदार सतर्क हो गए हैं। गिरिडीह से न्यूज के लिए दिनेश कुमार की रिपोर्ट।